स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आरती। शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला, आज से ठीक 5 महीने पहले इन दोनों की दोस्ती शुरू हुई। बिग बॉस के शो के दौरान इन दोनों की नजदीकियां बढ़ी और ये नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों ने इन्हें सिद्धार्थ का टैग दे दिया। ये सिद्धार्थ का टैग जितना ज्यादा फैंस को पसंद आया उतना ही ज्यादा पसंद यहाँ पर शहनाज को भी आया। सिद्धार्थ सुनते सुनते लोगों के दिमाग में अब ये पूरी तरीके से खर कर चुका है कि शहनाज और सिद्धार्थ जो कि एक दिन जरूर एक होंगे, शहनाज और सिद्धार्थ जो कि एक ही हैं यानी कि सिद्धार्थ, इन दोनों की फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती ही जा रही है। जहां एक तरफ शहनाज अपने लिए दूल्हा ढूंढती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी अब सिद्धार्थ के साथ रिश्ते को लेकर क्या बड़ा ऐलान यहां पर शहनाज ने कर दिया है वो आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बता देते हैं। लगता है कि बिग बॉस खत्म हो गया है, लेकिन फैंस के बीच से सिद्धार्थ का जादू खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शहनाज के नए शो की भी शुरुआत हो चुकी है जहां पर वो अपने लिए दुल्हा ढूंढती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी फैंस के मन में यही लगा हुआ है कि कब शहनाज और सिद्धार्थ एक हो जाएं। बिग बॉस सीजन 13 से लेकर अपने शो मुझसे शादी करोगे को लेकर शहनाज हमेशा सुर्खियों में छाई रहती हैं। वहीं शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला के भी काफी ज्यादा चर्चे देखने को मिलते हैं। जी हाँ, बता दें आपको, मुझसे शादी करोगे एक ऐसा शो जहां पर पारस छाबड़ा और शहनाज कौर गिल अपने लिए दुल्हा और दुल्हन ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इस शो के दौरान ये शादी कर सकते हैं या फिर नहीं। तो हाल ही में शहनाज के साथ एक इंटरव्यू किया गया जिसमें उनसे शो को लेकर काफी सवाल भी किए गए। चलिए हम आपको बताते हैं फिर यहाँ पर शहनाज का क्या था जवाब। बता दें आपको, शहनाज शो में एक साथी खोजने की योजना बना रही है। हाल ही में शहनाज ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ शो और उनके बारे में खूब बातें की। यहाँ पर कहा गया कि ये केवल एक दिखावा कैसे है और सभी को इसका इलाज करना होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर शहनाज ने एक चौंकाने वाला बयान ये दे दिया कि सिद्धार्थ के साथ प्यार में पड़ने के लिए चली गई। वास्तव में ये भी जोड़ा कि वो फिर से प्यार नहीं कर पाएंगे, यानी कि यहाँ पर साफ मतलब है कि वो सिद्धार्थ के प्यार में पूरी तरीके से पागल है और ऐसा प्यार उनको फिर नहीं होगा। इस बात का खुलासा खुद शहनाज गिल ने किया है। यहाँ पर शहनाज ने ये भी बताया कि ये प्यार जो है वो एक तरफा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो इसके बारे में कर सकती है। इस प्यार में उनका कोई जोर नहीं है। वहीं अगर बात करें सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, तो सिद्धार्थ शुक्ला भी अपने इंटरव्यू में इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि अभी उनका शादी का कोई इरादा नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला ने यहां पर कहा था कि अभी मैं बहुत छोटा हूं और अपने करियर की शुरुआत ही कर रहा हूं, अभी मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगा। फैंस तो इन दोनों को एक समझते ही हैं, लेकिन ये दोनों अभी एक दूसरे के साथ एक नहीं होना चाहते। शहनाज का नेचर तो हर कोई जानता है, वो कब क्या बोल जाए उन्हें खुद भी नहीं पता होता। सिद्धार्थ के प्यार में वो पूरी तरीके से पागल है, लेकिन कभी कभी खुद भी वो इस बात से मुकर जाती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर ये दोनों जोड़ी किस मोड़ पर एक बार फिर मिलती हैं। तो देखा आपने कि शहनाज ने यहाँ पर ये कबूल कर लिया है कि उनका जो रिश्ता है वो सिद्धार्थ के साथ बहुत ही ज्यादा खास है। उनका प्यार भले ही एक तरफा है, लेकिन उनका ये मानना है कि ऐसा प्यार, ऐसे खास रिश्ते वो किसी और के साथ दोबारा नहीं बना पाएंगी। लेकिन अब सिद्धार्थ ने भी अभी किसी रिलेशन में आने से मना कर दिया है। उन्हें लगता है वो अभी बहुत छोटे हैं और अभी तो उन्हें बहुत ज्यादा काम करने हैं,
खैर ये दोनों अपने करियर में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने काम से लोगों को इम्प्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज को।